बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की बाढ़ से भारी तबाही हुई है। लगभग 350 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। लोग छतों पर शरण लिए हैं। जिनके पास पक्के मकान नहीं है वे पड़ोसियों के घर पर रहने को मजबूर हैं। लगभग 75,000 हेक्टेयर धान फसल पानी में तबाह हो गई है। जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर आवागमन ठप हो गया है। बलरामपुर के कोतवाली नगर तहसील परिसर बिजली घर रजिस्ट्री दफ्तर सहित कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुसा है। बलरामपुर तुलसीपुर उतरौला व बहराइच मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। बिजली घर में पानी घुसने से नगर में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों में लगभग 600 बाढ़ प्रभावित गाँव में बिजली आपूर्ति पिछले 3 दिनों से बंद है। अति संवेदनशील गांवों से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। श्री दत्तगंज के ग्राम चंदापुर के पास बने बांध का लगभग 150 मीटर भाग कट गया है। नदी के कटान से बांध का काफी हिस्सा कटता जा रहा है। बांध के कटने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कटान प्रभावित बाढ़ग्रस्त गाँवों का रविवार को निरीक्षण किया। कटान से प्रभावित ग्रामीणों के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया। इस बार बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नगर के श्याम विहार कॉलोनी पहलवारा सिविल लाइन परिवहन निगम बस स्टैंड बिजली घर अचलापुर वार्ड कोतवाली नगर तहसील परिसर रजिस्ट्री दफ्तर पुरानी बाजार T2 सिनेमा विजय टाकीज बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम व निबकौनी वार्ड में बाढ़ का पानी का कहर जारी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पहलवारा निवासी पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर SP यादव के घर में पानी घुसा है। श्याम विहार कॉलोनी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। खमावा व निबकौनी वार्ड का रास्ता बंद हो गया है। बौद्ध परिपथ अंतर्गत तुलसीपुर मार्ग स्थित चुंगी नाका के निकट सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। शारदा पब्लिक स्कूल के पास करीब 5 फीट पानी सड़क पर